आप भी बिना मेहनत किए हुए काले लंबे घने मोटे बाल चाहते हैं, बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जिसे आपको पानी में कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करके ही तैयार करना है। और ये ऐसी चमत्कारी रेमेडी है जो आपके फर्स्ट टाइम में ही हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर देती है। और आप देखेंगे जो आपके भर भर के कंघी में बाल निकलते थे ना, उनकी मात्रा बहुत ही कम होती जाएगी और दिन प्रतिदिन आपके बाल जो हैं लंबे, घने, मजबूत, स्ट्रांग होते जाए। रेमेडी का लाइव रिजल्ट मैंने अपने घर में ही देखा है तो मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। मेरी एक कज़न थी जिनके बालों की ग्रोथ जो है गर्दन से नीचे कभी जाती ही नहीं थी, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, डॉक्टर से लेके हर चीज़ को दिखा लिया था, महंगे महंगे शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल सब यूज़ करके देख लिया था, लेकिन ये रेमेडी उन्होंने जब लगाना स्टार्ट किया तो 2 से 3 महीने में जो है उन बालों की ग्रोथ जो है वो दोगुना हो गई। और ये आपके रूट्स पे वर्क करता है जिससे आपकी न्यू हेयर ग्रोथ होने लगती है। बहुत से लोगों के पैचेस की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल छुटकारा दिला देता है। मैं आपको बताती हूँ इस रेमेडी को हमें कैसे तैयार करना है। उसके लिए वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है लौंग। हाँ, आपको इसमें 10 कलियाँ करीब लौंग की लेनी है। और लौंग ऐसी चीज़ है जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैगनीज, विटामिन सी, विटामिन के जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके, और आपके स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बालों की न्यू हेयर ग्रोथ होने लगती है। सेकंड जो हमने इसमें यूज़ किया है वो है मेथी दाना। मेथी दाना के गुड़ क्या होते हैं आपके बालों की ग्रोथ के लिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये आपके बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग करता है और न्यू हेयर ग्रोथ होने में आपकी हेल्प करता है। थर्ड जो हमने इसमें यूज़ किया है वो है कलौंजी। कलौंजी के जो बीज होते हैं हम सभी खाने में यूज़ करते हैं वही आपको यूज़ करना है इसमें। एंड लास्ट में हमने जो इसमें एक सैशे यूज़ किया है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप जो भी पीते हैं उसका जो सैशे है वो आपको इसमें ऐड कर देना है। ग्रीन टी बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को, इचिंग की, खुजली की प्रॉब्लम को जो गर्मियों में होने लगती है, गर्मियों में क्या सर्दियों में भी हम सभी को भर भर के डैंड्रफ हो जाते हैं, तो हर मौसम में आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं आराम। और इसमें अब आपको 1 गिलास फिल्टर वाटर ऐड करना है। आपको याद रखना है कि आपको फ़िल्टर वाटर का ही यूज़ करना है क्योंकि बहुत सी हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो पानी की वजह से ही होती है। जब हमारे यहाँ का पानी अच्छा नहीं होता है तब हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो होने लगती है। और हेयर वॉश करने में भी आप लोग फिल्टर वाटर का ही यूज़ किया कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ई टोनर तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना है। इसे अच्छे तरीके से आपको बॉयल होने देना है, तब तक बॉयल करना है जब तक ये जो पानी है ये आधा ना हो जाए जितना आपने यूज़ किया है। अगर 1 गिलास आपने पानी लिया है तो उसी गिलास से मेजरमेंट कीजिए कि जब तक ये चीज़ें आधी ना हो जाइए पानी, तब तक आपको इसे बॉयल करते रहना है। और इसके जो भी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। ये एक ऐसा वाटर बन जाता है जो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, आपके बालों को लंबा, घना, मोटा करने के लिए 110% वर्क करता है। ये मैंने खुद भी यूज़ किया है और मैंने अपनी फैमिली में भी लोगों को रिकमेंड किया था। जिन लोगों ने उसे यूज़ किया है उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बालों की ग्रोथ बिल्कुल होती ही नहीं थी, उनके बालों की ग्रोथ होने लगी, उनके न्यू हेयर निकलने लगे बालों में से। तो आप देख सकते हैं ये जो रेमेडी हमने तैयार की है इसका पानी हमने आधा कर लिया था और उसके बाद नॉर्मल छलनी से इसे छान लेना है और हल्का सा गरम यानी कि जो गुनगुना होता है ना वाटर, उसी को आपको अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। इसमें आपको ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है, आधा चम्मच के करीब आपको ऑलिव ऑयल ऐड करना है या फिर जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो आधा चम्मच ही आपको इसमें ऐड करना है। और इसके बाद इसे आपको गरम गरम ही अपने बालों में, यानी एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि स्कैल्प में आपको प्रॉब्लम करे, एकदम जो हल्का सा गुनगुना होता है ना वैसे ही आपको लगाना है अपने बालों में। अच्छी तरीके से पार्टीशन में अपने बालों को डिवाइड कर लीजिए और एक कॉटन वॉल की हेल्प से अच्छी तरीके से इसे अपने जड़ों में लगाइए। वैसे तो आप स्प्रे बॉटल में भी डाल के लगा सकते हैं लेकिन कॉटन वॉल से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको इसे अपने जड़ों में अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद बालों की लेंथ में भी इसे अप्लाई कर लेना है और पूरी रात अगर आप रखना चाहें तो ओवरनाइट आप इसे अपने बालों में लगाकर रख सकते हैं या फिर 4 से 5 घंटे पहले यानी शैम्पू करने से 4 से 5 घंटे पहले आप इसे अप्लाई कीजिए अपने बालों में और अच्छी तरीके से मसाज कीजिए। बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ये आपकी जड़ों
को मजबूत करने के लिए और आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से बर्न बना लेना है और रात में सो जाइए, और सुबह आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को क्लीन कर लीजिए, और आप देखेंगे कि 1 वीक के अंदर आप लोग के बाल इतने ज़्यादा लंबे घने जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम लोग कल मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।